नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय, जय माता दी। आप सभी भाई बहनों को, दोस्तों को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि 26 सितंबर से प्रारंभ हो रही है, जो कि 5 अक्टूबर तक चलेगी। इस वीडियो में हम जानेंगे कि तिथि प्रारंभ होने का समय क्या है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त, अच्छा मुहूर्त क्या है, और महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी का व्रत किस दिन रखा जाएगा, तथा माता के 9 रूपों के नाम क्या क्या हैं। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर भी करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, नवरात्रि 26 सितंबर से प्रारंभ हो रही है। इसकी प्रतिपदा तिथि जो कि 3:24 प्रातः काल से शुरू हो जा रही है और यह तिथि 27 सितंबर को 3:08 प्रातः काल पर समाप्त होगी। इसी तिथि में हम कलश स्थापना भी करते हैं, जिसका कि शुभ मुहूर्त आप सभी लोग जान लीजिए। इसका सुबह का जो मुहूर्त है वह 6:20 से शुरू होकर 7:55 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त, जिसे कि अत्यंत शुभ माना जाता है, वह मुहूर्त है 11:54 से लेकर 12:42 तक। दोस्तों, आप सभी इस शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना कर सकते हैं और माता जी का पूजन प्रारंभ कर सकते हैं। आप सभी माता जी का पूजन अर्चन करें और उनकी कृपा प्राप्त करें। दोस्तों, महासप्तमी, महाअष्टमी, महानवमी का व्रत बहुत ही मुख्य माना जाता है। यदि कोई भी भक्त 9 दिन का व्रत नहीं रख पाते हैं तो 3 दिन का व्रत रख कर पूजन अर्चन करके माँ को प्रसन्न करते हैं और समस्त 9 दिनों का फल प्राप्त करते हैं। इसकी तारीख है, महासप्तमी का व्रत 2 अक्टूबर को रखा जाएगा, महाअष्टमी का व्रत 3 अक्टूबर को रखा जाएगा, महानवमी का व्रत 4 अक्टूबर को रखा जाएगा। 5 अक्टूबर को दशमी तिथि है, जिसमें कि माता जी का विसर्जन होता है और पारण भी किया जाता है। दोस्तों, यह तिथियां अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती हैं व्रत, उपवास और पूजा पाठ के लिए। वैसे तो 9 दिन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं माता जी का व्रत, उपवास, कलश स्थापना, अखंड ज्योत जलाने के लिए। तो ये तो बात हो गई कि तिथि कब क्या है और व्रत कौन कौन से कब रखे जाएंगे। आइए माँ के 9 रूपों के नाम भी जान लेते हैं कि हम किस दिन माँ के किस रूप की पूजा करते हैं। दोस्तों, प्रथम दिन जो हम पूजा करते हैं, माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं। द्वितीय दिन हम पूजा करते हैं माँ ब्रह्मचारिणी देवी की। तृतीय, चंद्रघंटा माता की पूजा करते हैं। चौथे दिन हम माँ कूष्मांडा की पूजा करते हैं और पांचवें दिन माँ स्कंद माता की पूजा करते हैं। छठवें दिन माँ कात्यायनी देवी की पूजा की जाती है। सातवां दिन जो होता है माँ कालरात्रि देवी का होता है। आठवां दिन महागौरी की पूजा होती है। नौवें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इस तरह से 9 दिन 9 रूपों की पूजा हम करते हैं। दोस्तों, मैं यह भी बता देना चाहती हूँ, इस वर्ष 9 दिन की जो तिथियां हैं वह संपूर्ण तिथियां हमें मिल रही हैं। किसी भी तिथि की क्षय नहीं है, कोई भी तिथि खंडित नहीं है। संपूर्ण तिथि 26 सितंबर से प्रारंभ होकर 5 अक्टूबर को समाप्त हो रही है। इस प्रकार सभी भक्तजन 9 दिन का व्रत संपूर्ण तिथि में कर सकते हैं। और यदि आप 9 दिन का व्रत नहीं रख सकते हैं तो 3 दिन का, जैसा कि मैंने बताया, उसकी तारीख भी मैंने बताई है, आप 3 दिन का व्रत रख कर आप संपूर्ण फल प्राप्त कर सकते हैं। मैं ये भी बता देना चाहती हूँ कि नवरात्रि में यदि आप 9 दिन का व्रत नहीं भी रख रहे हैं तो नवमी तिथि के दिन आप हवन अवश्य करें। कन्या यदि खिला सकें, एक ही कन्या को खिला सकें, तो कन्या अवश्य ही खिलाएं और हवन करें। हवन यदि घर में कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, किसी ब्राह्मण या योग्य पंडित को बुलाकर। यदि घर में व्यवस्था नहीं हो पाती है तो आप सामग्री लेकर किसी भी मंदिर में जाकर या माता जी के पांडाल जहां बनते हैं, जहां माता जी का पूजन होता है, वहां भी जाकर आप हवन करवा सकते हैं और दान और दक्षिणा दे सकते हैं। दोस्तों, हवन करने का बहुत ही महत्व माना जाता है और हवन करने से हमारे घर की नकारात्मक शक्तियां, नकारात्मक ऊर्जाएं खत्म होती हैं, समाप्त होती हैं। तो नवमी तिथि के दिन आप हवन अवश्य करें, माता जी को चने का हलवा और पूड़ी का भोग अवश्य लगाएं और पूरे परिवार उस प्रसाद को ग्रहण करें।
इस प्रकार भी आप माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार सभी भक्त कोई आवश्यक यह नहीं है कि आप 9 दिन का यदि व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो अन्य कार्य नहीं कर सकते हैं। आप हवन भी कर सकते हैं, माँ को भोग लगा सकते हैं, माँ की पूजा कर सकते हैं, हर प्रकार से माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो इन 9 दिन में आप संपूर्ण दिन पूजा करें और नवमी के दिन हवन करें, माँ को भोग लगाएं, कन्या को खिलाएं, इस प्रकार से नवमी तिथि का समापन करें और माता जी को प्रसन्न करें। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। धन्यवाद दोस्तों, आगे वीडियो में फिर मैं सारे विवरण दूंगी, कलश स्थापना, जौ कैसे बोते हैं, अखंड ज्योत कैसे जलाते हैं, उसकी नियम विधि क्या है, आरती में हम क्या क्या ध्यान रखें, सारे वीडियो हमारे आएंगे। दोस्तों आप मेरे चैनल से अवश्य ही जुड़िए, आप सभी से निवेदन है सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद दोस्तों, जय माता दी, नमः शिवाय।